जी फ्रेंड्स, आज हम एमएस एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक सादा सैलरी शीट बनाना और एक ऑटो सैलरी शीट बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर मैं एक ऑटो सैलरी शीट आपको बनाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप सिर्फ एम्प्लॉय का आईडी नंबर चेंज करेंगे तो नीचे जो भी एम्प्लॉय की एंट्री है वो सारी चेंज हो जाएगी और उसके बाद हम उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी सैलरी शीट बनाना। सैलरी शीट बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो शीट्स बनानी है। एक शीट के अंदर आप पूरे एम्प्लॉयज के नाम लिखेंगे, जिसके अंदर सारी डिटेल होगी, और दूसरी शीट के अंदर वहाँ पर हम सैलरी शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके अंदर हम जैसे आईडी नंबर चेंज करेंगे तो सारी नीचे डिटेल चेंज हो जाएगी और उस शीट को हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एम्प्लॉय की लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर जाकर यहाँ पर आप ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दें, पेज साइज यहाँ पर आप लीगल कर दें। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, मंथ और ईयर, देन बेसिक पे, ओवर टाइम और कन्वीनियंस, और इसके बाद हम लिखेंगे टोटल अर्निंग कि अर्निंग कितनी हुई। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लोन, फंड और एडवांस, ये चीज़ें आती हैं डिडक्शन में। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल डिडक्शन और यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में नेट सैलरी। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे। उसके बाद इस पेज की हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पर नेम का कॉलम बढ़ा देते हैं, डेजिग्नेशन का कॉलम भी बढ़ा देते हैं, मंथ और ईयर का बढ़ा देते हैं, और बेसिक पे, ओवर टाइम, इन सबको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर जाकर यहाँ पर कॉलम विड्थ और यहाँ पर आप 10 कर दें और ओके कर दें। अब सबकी एक जितनी हो गई है, देन यहाँ से इनकी अलाइनमेंट भी आप सेट कर लें सेंटर में। और उसके बाद यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी और नेम एंट्री वगैरह करेंगे। इससे पहले यहाँ पर हम ऊपर टाइटल लगाते हैं इस कंपनी का, उसके लिए यहाँ पर आप इंसर्ट रो करें, एक और रो इंसर्ट कर लें। यहाँ पर हम इन सारे कॉलम्स को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पर टाइटल लिखते हैं कंपनी का, सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस पीवीटी लिमिटेड, अब ये आ गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे इस कंपनी की एड्रेस कहाँ पर है, किस तरह है। आप अपनी कंपनी की जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप नीचे लिखें। एड्रेस लिखना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख लेता हूँ और उसके बाद नीचे हम लिखेंगे सैलरी लिस्ट, इसको सिलेक्ट कर लें, मर्ज कर लें और यहाँ पर आप लिखें सैलरी लिस्ट, या फिर आप लिख लें इससे पहले एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट। उसके बाद यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, देन एम्प्लॉय लिस्ट को यहाँ से बोल्ड करके साइज़ बढ़ा देते हैं इसकी, देखें कुछ इस तरह से। अब यहाँ से ये फॉर्मेट हो चुका है और उसके बाद इस पूरे पेज को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने से पहले यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसकी साइज़, ताकि यहाँ से ये जो आपको पेज का बॉर्डर नज़र आ रहा है यहाँ तक इसकी विड्थ फुल सेट हो जाए। यहाँ से इस तरह से सेट हो गई। इसके बाद इसको भी आप सेट कर दें, इसको भी सेट कर दें, देखिए आप बिल्कुल सेट हो चुका है। उसके बाद इस पूरे टेबल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका बॉर्डर ऑन कर दें। हमने इसका बॉर्डर ऑन कर दिया, देन यहाँ से हम फॉर्मेट के अंदर जाते हैं और रो हाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से इसकी हाइट जो है 20 कर देते हैं। अब ये थोड़ी हाइट बेहतर लग रही है। अब आपके पास जितने नाम हैं उतने आप यहाँ से लिस्ट के अंदर नाम लगा दें। उसके बाद एंट्री करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी लगाना है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आप जो भी आईडी है आपका वो आईडी लगाएं। उसके बाद यहाँ से हम इसको ड्रैग करके पूरे जो भी नाम है सब में फिल कर देते हैं। यहाँ पर सारे नाम लिख लें, मैंने पहले ही कुछ नाम लिख कर रखे हैं, मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर हर एम्प्लॉय के आगे आप डेजिग्नेशन लगा लें, मैंने भी पहले ही कुछ डेजिग्नेशन लिख कर रखी है, वो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सारी डेजिग्नेशन आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मंथ एंड ईयर, यहाँ पर आप मंथ और ईयर लगा लें, मैं यहाँ पर अप्रैल 2021 लगाता हूँ। और उसके बाद इसको ड्रैग करके हम सब जो भी एम्प्लॉय उनके सब के आगे लगा देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बेसिक पे है, बेसिक पे भी मैंने कुछ यहाँ पर पहले कॉपी करके बना कर रखी थी, उसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सब की बेसिक पे आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम ओवर टाइम और कन्वीनियंस रेंडमली लगा सकते हैं, किसी किसी का लगाना है, किसी का नहीं लगाना, आप जिसका लगाना चाहते हैं वहाँ का आप लगा दें। मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पर हमें इन सबको टोटल करना है कि हमारी जो कन्वीनियंस है, ओवर टाइम है और टोटल पे है वो कितनी है। यहाँ पर टोटल अर्निंग करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सिंपल फार्मूला लिखना है। यहाँ पर लिखना है आपको फार्मूला, आप सबको पता है कि हमेशा इज इक्वल टू की साइन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सम और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपके जो रोज़ हैं
बेसिक पे, ओवर टाइम और कन्वीनियंस, इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको ब्रेकेट को बंद करते हैं। ब्रेकेट बंद करने के बाद यहाँ पर आप इंटर को प्रेस करें, आपके पास यहाँ पर टोटल अर्निंग आ जाएगी। और उसके बाद सिंपल आप यहाँ से इस प्लस की आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको फिल्ड हैंडल की मदद से इसको ड्रैग करके यहाँ पर नीचे लेकर आए, सब जो भी है ऑटो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पर आपको टोटल मिल जाएगा। देखें यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 500 है, 10,500 दिखा रहा है और यहाँ पर 14,000 है और 1,000, यहाँ पर 15,000, हर एक एम्प्लॉय का अलग से इसने टोटल कर दिया। तो आप इस सम के फार्मूले से हर एक की आसानी से टोटल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोन फंड एंड एडवांस यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर रैंडमली जिन जिन का है उनको आप लोन फंड जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख लें। मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ, कुछ एंट्री कर देते हैं हम यहाँ पर रैंडमली। उसके बाद जो भी ये डिडक्शन है, तीन कॉलम जो आपके डिडक्शन के हैं, इन सबको टोटल करना है। टोटल करने के लिए वही सेम फार्मूला है। यहाँ पर आपको ऊपर फार्मूला बार के अंदर जाना है, देन इज इक्वल टू सम ब्रेकेट स्टार्ट, और उसके बाद जो भी आपकी कॉलम है इन सबको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ब्रेकेट को बंद करें। ब्रेकेट बंद करने के बाद इंटर को प्रेस करें, आपके पास टोटल आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको हर एक एम्प्लॉय के आगे ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस फर्स्ट रो के ऊपर, यहाँ पर फर्स्ट सेल के ऊपर जाकर यहाँ पर ये छोटा सा आपको आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नीचे इसको ड्रैग करके जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबके ऊपर नीचे ड्रैग करके आए, ऑटो ये यहाँ पर टोटल कर देगा। अब यहाँ पर आपकी टोटल अर्निंग भी टोटल हो चुकी है और टोटल डिडक्शन भी टोटल हो चुकी है। अब सिंपल फार्मूला है, हम यहाँ पर नेट सैलरी देखनी है हमें कि नेट सैलरी हमारी कितनी बनती है। तो क्या करेंगे, टोटल अर्निंग को माइनस करेंगे टोटल डिडक्शन से। तो उसके लिए यहाँ पर आप फार्मूला बार के अंदर जाएँ, यहाँ पर इक्वल टू लिखें, देन यहाँ पर आपका टोटल अर्निंग का जो फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करें, देन यहाँ पर माइनस, और उसके बाद आपका जो फर्स्ट सेल है टोटल डिडक्शन का उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंटर को प्रेस करें, आपके सामने यहाँ पर टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन आ जाएगा। और उसके बाद वही सेम यहाँ पर फिल हैंडल की मदद से सारे जो कि आप सेल हैं उन सबको आप फिल कर दें। यहाँ पर प्लस का आइकन जो आपको नजर आ रहा था उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको नीचे लेकर आएँ, सबका यहाँ पर नेट सैलरी आसानी से आ जाएगा। देखें यहाँ पर टोटल सैलरी, टोटल अर्निंग कितनी थी, 13,000 रुपये, लोन कितना है 500, टोटल डिडक्शन कितनी है 500, और उसने माइनस करके कितना दिखा दिया 12,500। तो इस तरह से आप टोटल अर्निंग को टोटल करेंगे और उसके बाद टोटल डिडक्शन को टोटल करेंगे और देन उन दोनों को आपस में माइनस करके यहाँ पर आप नेट सैलरी बना देंगे। तो ये हमारी एम्प्लॉय सैलरी शीट, जिसके अंदर हमने डिटेल से हर एक एम्प्लॉय की सारी डिटेल लिखी है कि बेसिक पे कितनी है, ओवर टाइम कितना है, टोटल अर्निंग माइनस टोटल अर्निंग और नेट सैलरी कितनी बनती है, ये सारी चीज़ें एक इस शीट के अंदर आ जाएगी। आप भी अपनी एक इस तरह की शीट बनाएंगे। उसके बाद दूसरी शीट की तरफ चलते हैं, उससे पहले यहाँ पर इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, मंथ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस हाईलाइट के अंदर जाकर, फिल कलर के अंदर जाकर ब्लैक कलर और इसका वाइट कलर, देन बेसिक पे, ओवर टाइम, कन्वीनियंस, टोटल अर्निंग को यहाँ से ग्रीन कलर कर देते हैं। यहाँ से आप ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लें, इसको वाइट कर देते हैं, और ये लोन, एडवांस, फंड और टोटल डिडक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से हम फिल कलर के अंदर जाकर इसका रेड कलर कर देते हैं और फॉन्ट का वाइट, और उसके बाद इस नेट सैलरी को आप सेलेक्ट करके पूरा ब्लैक कर दें। हम यहाँ से इसको ब्लैक करते हैं और ब्लैक करने के बाद इसका फॉन्ट का कलर वाइट कर देते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट शीट की तरफ। नई शीट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके पास एक नई शीट आ जाएगी। देन यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर जाकर यहाँ पर पेज साइज आप इसका A4 रखें और उसके बाद ओरिएंटेशन इसकी हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं। देन यहाँ पर जो पूरी हमारी सैलरी शीट है वो यहाँ पर हम फॉर्मेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिप सॉफ्टवेयर हाउस PVT लिमिटेड, और उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, टाइटल को मर्ज करके एक ही सेल के अंदर सेट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ाते हैं और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। देन यहाँ पर नीचे सेकेंड रो के अंदर हम एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें। हम यहाँ से एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज करेंगे। अब ये सेंटर में आ चुका है, इसकी साइज़ हम थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट टॉप पर लेकर जाते हैं। देन यहाँ पर इस शीट का टाइटल लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय सैलरी शीट। उसके बाद इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करके ऊपर आप मर्ज कर दें और उसके बाद यहाँ पर इसको सेंटर में लेकर आएँ और यहाँ से इसको बोल्ड भी कर दें और इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दें। और एम्प्लॉय सैलरी शीट जो टाइटल है इसके नीचे यहाँ पर हम इसका बॉटम बॉर्डर लगा देते हैं। अब यहाँ पर बॉटम बॉर्डर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर हम एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और मंथ यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप पहले लिखें एम्प्लॉय ID और उसके बाद यहाँ पर आप लिखें एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर इस एम्प्लॉय ID के नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नेम के नीचे यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट करें, यहाँ पर इसको मर्ज कर लें, डेजिग्नेशन को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लें, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट सेट कर लें। देन यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करके मर्ज कर लें, मंथ ईयर को सिलेक्ट करके मर्ज कर लें।
और उसके बाद यहाँ पर इन सबको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर के अंदर जाकर आल बॉर्डर कर दें। लेकिन यहाँ पर आपको दो दो कॉलम नजर आ रहे हैं, इनको आप सिलेक्ट करके मर्ज करके सिंगल कॉलम बनाएं। हम यहाँ पर इनको सिंगल कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर तीन कॉलम नजर आ रहे हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और मर्ज करते हैं। कुछ इस तरह से आपका ये डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉय और मंथ को भी लेफ्ट अलाइन कर देते हैं और उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करते जाएंगे और बोल्ड करते जाएंगे क्योंकि ये टाइटल है। देन यहाँ पर इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर जाकर रो हाइट और यहाँ पर 15 है, आप इनकी 20 कर दें ताकि थोड़ा सा हाइट इनका ज़्यादा लगे। और उसके बाद यहाँ पर इनकी अलाइनमेंट मिडिल कर दें। अब ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम सैलरी के हवाले से सारी डिटेल लिखेंगे। दो हमारे मेन हेड है, एक है अर्निंग, दूसरा है डिडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अर्निंग लिखें और यहाँ पर हम आगे चल के लिखते हैं डिडक्शन। देन यहाँ पर अर्निंग के नीचे लिखते हैं बेसिक पे, ओवर टाइम, कन्वीनियंस और टोटल। उसके बाद डिडक्शन के नीचे यहाँ पर हम लिखते हैं लोन, फंड और एडवांस, देन यहाँ पर टोटल। जिस तरह से सेट हो जाएगा। देन यहाँ इन सब के आप बॉर्डर ऑन करते हैं, इनको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर ऑन करते हैं। अभी हमारे पास बॉर्डर ऑन चुके हैं। बॉर्डर ऑन करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें मर्ज करने में आसानी होती है। अब यहाँ पर हम इन सब को सिलेक्ट करते जाएंगे और मर्ज करते जाएंगे। यहाँ से आप इसका थोड़ा सा कॉलम का विड्थ बढ़ा दें। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग के सामने जो भी कॉलम्स हैं इन सबको सिलेक्ट करके आप मर्ज कर लें, उसको सेंटर में लेकर आएँ। बेसिक पे को यहाँ पर आप जो भी तीन कॉलम इनको आप मर्ज कर लें, इन तीनों को आप यहाँ से मर्ज कर लें। कन्वीनियंस को भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज कर लें। टोटल को भी यहाँ से आप मर्ज कर लें और डिडक्शन को सबको सिलेक्ट करके यहाँ से आप मर्ज कर लें। फिर लोन के अंदर जो आपके चार कॉलम हैं इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर लें। फंड के अंदर इनको मर्ज कर लें। एडवांस जो भी आपके कॉलम्स हैं सबको हमें एक कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है तो मर्ज करना पड़ेगा। सबको हमने मर्ज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इन सबको आप सिलेक्ट करें, सब रोज को सिलेक्ट करें। देन यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जाकर रो हाइट और यहाँ पर आप इसकी 20 कर लें। अब यहाँ पर इनकी रो हाइट भी बन चुकी है। देन यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पर अर्निंग के अंदर जाकर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ग्रीन और वाइट और इसकी मिडल। तो ये अर्निंग का सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर डिडक्शन के अंदर जाकर इसका यहाँ से रेड कलर करते हैं और वाइट करते हैं। अब यहाँ पर ये डिडक्शन, देन यहाँ से इसकी अलाइनमेंट और उसके साथ साथ इन दोनों को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। बेस्ट पे वगैरह इन सबको भी बोल्ड कर देते हैं। लोन, एडवांस, फंड इनको भी टोटल बोल्ड कर देते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सेट करके यहाँ से इसकी विड्थ कम कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके सेंटर में लेकर जाते हैं। ये आपके मिडिल में और सेंटर में आ चुके हैं। देन यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं नेट सैलरी और उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसके बॉर्डर्स ऑन कर देते हैं। सबको सिलेक्ट करें और बॉर्डर के अंदर जाकर ऑल बॉर्डर कर लें और उसके बाद इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लें। ये आपका एक नेट सैलरी का सेल बन चुका है, कॉलम बन चुका है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट के अंदर जाकर रो और इसकी भी 20 कर दें। सब की 20 हमने रखी है तो इसकी भी 20 कर देते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हम सिग्नेचर्स लगाएंगे, एक एम्प्लॉय की सिग्नेचर और दूसरा डायरेक्टर की सिग्नेचर। यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय सिग्नेचर और उसके बाद आगे यहाँ पर हम शिफ्ट को प्रेस करके लाइन लगाएंगे। यहाँ पर ये आपके एम्प्लॉय की सिग्नेचर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्टर, आप जो भी लिखना चाहते हैं, डायरेक्टर, एडमिन, जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ से आप लिखें। देन यहाँ से इसकी लाइन लगा दें। उसके बाद यहाँ पर ये जो भी एरिया है एम्प्लॉय से नीचे एक रो को लेकर ऊपर आपकी जो ये आपने टेबल बनाया अर्निंग और डिडक्शन का, इसकी ऊपर वाली जो रो है इस तक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर के अंदर जाकर थिक आउटसाइड बॉर्डर्स इसके ऊपर क्लिक करें। ये इस पूरे एरिया के चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल F2 को आप प्रेस करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आएगा। देखें यहाँ से चारों तरफ बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब हमारी एम्प्लॉय सैलरी शीट और एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट दोनों बन चुके हैं, दोनों कंप्लीट है। अब इन दोनों के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करके एक ऑटो जनरेटेड सैलरी शीट बनाएंगे, जिसके अंदर जिस तरह से हम आईडी नंबर चेंज करते जाएंगे वहाँ पर एक नई सैलरी शीट बनती जाएगी। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर सैलरी शीट को ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के अंदर जाकर सबसे पहला काम हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय आईडी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। यहाँ से जैसे आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो भी आईडी नंबर चूज करेंगे नीचे सारा डेटा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी के आगे जो आपका सेल है इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो डेटा का टैब है उसके अंदर जाकर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करें। देन यहाँ पर अलो के अंदर नीचे आएगा एनी वैल्यू, एनी वैल्यू नहीं करना, यहाँ पर आपको लिस्ट करना है। लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो उसके बाद यहाँ पर सोर्स के ऊपर क्लिक करें। सोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शीट वन के ऊपर क्लिक करना है, शीट वन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके जो भी आई डी नंबर, देखें शीट वन भी ओपन है, शीट टू भी ओपन है, दोनों ओपन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, शीट वन के अंदर जो भी आपके एम्प्लॉय आई डी के आई डी नंबर है उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सिर्फ ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे वे वापस आपका शीट टू या फिर यहाँ पर नीचे दिखा रहा है शीट फोर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो पूरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर आपके जो भी एम्प्लॉय है उन सब के आई डी नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखें यहाँ पर वन से लेकर
1 से लेकर 14 तक जो भी आपने आईटी नंबर वहां पर एंटर किए थे वो सारे यहां पर शो हो रहे हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे वो यहां पर शो हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद डेटा फेज या फिर इस सैलरी शीट के अंदर शो करने के लिए यहाँ पर हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आप उस सेल के ऊपर क्लिक करें। हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के आगे यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद फार्मूला बार के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आप इज इक्वल टू लगाकर वी लुकअप लिखें और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें। ब्रैकेट स्टार्ट करते सबसे पहले आपको कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये कि कौन सी वैल्यू आप चेंज करें तो नीचे वाली डेटा चेंज हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या है, हमारा आईडी नंबर है। आप यहाँ पर आईडी नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कामा को जैसे प्रेस करेंगे, कामा प्रेस करते देखें टेबल एरे पहले बोल्ड नहीं था, अब बोल्ड हो चुका है। टेबल एरे का मतलब क्या है कि आपका डेटा कहाँ पर है। ये तो आईडी नंबर है, ये लुकअप वैल्यू है, यहाँ से तो आप चेंज करेंगे तो डेटा चेंज होगा, लेकिन कहाँ से डेटा को फेच करें, डेटा को उठाए कहाँ से, तो हम यहाँ पर टेबल एरे कहाँ पर है, हमारा शीट वन के अंदर। तो हम शीट वन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए अभी तक ऊपर जो है हमारा वी लुकअप ऑन है, ऑफ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर टेबल एरे के अंदर हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, आईडी नंबर से लेकर नेट सैलरी तक जो भी हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एकदम से आपको शीट फोर के अंदर या फिर आपकी जो भी शीट है उसके अंदर नहीं जाना, यहाँ पर आपको कामा को प्रेस करना है। कामा को प्रेस करने के बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जिस सेल के अंदर आपने ये फार्मूला अभी पुट किया हुआ है तो वहाँ पर कौन सा डेटा शो करवाना चाहते हैं, कॉलम वन का, कॉलम टू का, कॉलम थ्री का। हम वहाँ पर नेम शो करवाना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पर कॉलम वन ये है और कॉलम टू क्या है, नेम। यहाँ पर हम कॉलम टू नेम शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू। और टू लिखने के बाद दोबारा आप कामा को प्रेस करें। कामा को प्रेस करने के बाद शीट फोर के अंदर जाएं या फिर यहाँ पर जीरो को प्रेस करके ब्रैकेट को बंद करें और एंटर को प्रेस करें। जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे आप शीट फोर के अंदर जो भी आपकी शीट है, एम्प्लॉय सैलरी शीट है, उसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको डेटा मतलब कि आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। देखें यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आईडी नंबर चेंज करते हैं, देखें नाम यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखें यहाँ पर हम 8800003 के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नईम अहमद हो गया। तो इस तरह से आप वन बाय वन हम डेजिग्नेशन, मंथ, ईयर, ये सारों के ऊपर यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से जैसे आईडी नंबर चेंज करेंगे सारा डेटा नीचे यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो बाकी जो भी सेल्स है उनके अंदर वी लुकअप का सारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जिस सेल के अंदर आपने फार्मूला लिखा है उसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से ये जो फार्मूला है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें। कंट्रोल सी करने के बाद ये आपका फार्मूला कॉपी हो चुका है और उसके बाद जिस सेल के अंदर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक करें। देन उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा फार्मूला बार के अंदर जाएं, फार्मूला बार के अंदर जाकर कंट्रोल वी करें। अब ये सारा फार्मूला आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इसको आप इंटर कर देंगे तो वही सेम वैल्यू दिखा देगा, नई मेमन मतलब के नाम दिखा देगा। उसको चेंज करने के लिए सिंपल एक ही काम करना है, यहाँ पर आपको कॉलम इंडेक्स चेंज करनी है। अब आपकी डेजिग्नेशन कौन से कॉलम इंडेक्स के नंबर अंदर है, आपकी यहाँ पर आप थ्री लिखें, हमारी पहले आईडी थी उसके बाद नेम था और उसके बाद डेजिग्नेशन थी थ्री नंबर के अंदर, हमने थ्री नंबर लिखा और उसके बाद जैसे इंटर किया देखें यहाँ पर डेजिग्नेशन दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मंथ और ईयर के अंदर जाते हैं, देन दोबारा यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर जाकर यहाँ पर पूरा फार्मूला कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स के अंदर जाकर यहाँ पर फोर करते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं, देखें यहाँ पर मंथ एंड ईयर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप वन बाय वन नीचे भी करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक पे के सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर जाएंगे और यहाँ पर वी लुकअप का जो फार्मूला हमने कॉपी किया था पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स कौन सा है, फाइव है, इसके ऊपर जैसे चेंज करके क्लिक करेंगे यहाँ पर वो डेटा आ जाएगा। देन ओवर टाइम के अंदर जाकर वही सेम जो भी हमारे सेल्स हैं सब के अंदर हम चेंज करते जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉलम इंडेक्स हमें चेंज करना है। हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स चेंज करते जा रहे हैं और यहाँ पर डेटा कॉपी करके पेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए अब वही सेम हमने किया था तो यहाँ पर नई मेमन दोबारा आ गया। अब यहाँ पर हम सेव इन करेंगे तो यहाँ पर जो है कन्वीनियंस आएगी। अगर आपने कॉलम इंडेक्स गलत लगा दिया तो वहाँ पर वो डेटा आपको शो सही से नहीं करेगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करके या फिर फार्मूला बार के अंदर जाकर हम यहाँ पर 8 करते हैं और इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको टोटल दिखा देगा, देखिए 12,500 और 500 कितने हो गए, 13,000। उसके बाद यहाँ पर लोन एंड डिडक्शन के अंदर जाते हैं, वही सेम यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पर हम 2 को नो करेंगे, नो कॉलम और इंटर करेंगे, ये हमारा लोन है। उसके बाद दोबारा फंड के अंदर आते हैं, नो को हम यहाँ पर 10 करते हैं और उसके बाद एडवांस के अंदर यहाँ पर हम करते हैं 11। हमारे जितने भी कॉलम्स हैं आप बेहतर ये है कि जो आपकी सैलरी लिस्ट है उसको प्रिंट निकाल कर रखें ताकि आपको पता चले कि कौन सा कॉलम है उसका कौन सा इंडेक्स नंबर है। उसके बाद टोटल के अंदर आकर यहाँ पर आप वही सेम फार्मूला पेस्ट करें और यहाँ पर हम 12 करते हैं और उसके बाद नेट सैलरी के अंदर आते हैं, वही सेम फार्मूला यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको करते हैं 13 और इंटर प्रेस करते हैं। देखें ये हमारी नेट सैलरी बन चुकी है, 13,000 थी, 13,000 के अंदर 500 रुपये जो है डिडक्शन कट चुकी है, उसके बाद बाकी कितनी बची है, 12,500 रुपये। अब हमारी सारी डेटा एंट्री हो चुकी है, अब हमारे सारे फार्मूले एंट्री हो चुके हैं। अब हम इसको ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके ऊपर जाएं
और यहाँ पर आप आईडी नंबर चेंज करें, सेविन करें। देखें आपने जैसे सेविन किया, नाम जो है, डेजिग्नेशन, मंथ, जो भी अर्निंग है, जो भी डिडक्शन है, नेट सैलरी है, सारी चेंज हो रही है। इसके ऊपर जाएं और नीचे आएँ, 11 देखें यहाँ पर आनंद सॉफ्टवेयर, और ऊपर जाएँ यहाँ पर आप 8 करें सुलेमान काजी डेटा एंट्री ऑपरेटर, और 14,000 रुपये। जैसे आप चेंज करते जाएंगे वो आपके डेटा शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप सिंपल क्या करें, कंट्रोल F2 करें, आपके सामने ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रिंट को क्लिक करें, आपका ये शीट प्रिंट हो जाएगी। दोबारा जाएं, आईडी नंबर चेंज करें और वो शीट प्रिंट करें। तो इस तरह से आप आईडी नंबर चेंज करते जाएंगे, प्रीव्यू करते जाएंगे और उस शीट को प्रिंट निकालते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट बनानी है और किस तरह से एम्प्लॉय सैलरी शीट को VLOOKUP के फार्मूले की मदद से चेंज करना है, अच्छे से एक ऑटोमेटिक सैलरी शीट बनानी है। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल के आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।